तो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुखाइव एजुकेटर्स पर। और आज मैं आपके लिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और वो क्वेश्चंस UPSI के एग्ज़ाम में जो 2017 में हुआ था दिसंबर के महीने में, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए करवाना चाहते हैं सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा एक एक्चुअल की कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब आप तैयारी तो बहुत तरह की कर रहे हैं, आप बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपको ये ना पता हो कि एक्चुअल क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, आपकी तैयारी पूरी कारगर नहीं साबित होगी। आपको पूरी जानकारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आज हम रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस करेंगे, और रीजनिंग से भी पर्टिकुलरली मैं आपसे चार टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूँगा। एक एनालॉजी जिसको हम समानता कहते हैं, एक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जिसको कहते हैं, एक आपका श्रृंखला और एक आपका वेन आरेख। तो ये चार टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, और ये यूपी पुलिस एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा एनालॉजी चैप्टर से है वो क्या कहता है कि 1245 1245 3467 1726 का संबंध किससे है। और नीचे आपको जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं 3498 3849, तीसरा 3948 और चौथा 3598, ये आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखो 1245 3467, अगर आपके एनालॉजी में आपने समानता में हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो संबंध पहले संख्या और दूसरी संख्या के बीच में है वही सेम संबंध तीसरी और चौथी के बीच में दर्शाया जाएगा। तो मतलब आपने सबसे पहले पहले और दूसरे के बीच में रिलेशन संबंध ड्राइव कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर निकाल लोगे। तो 1245 3467 दो नंबर दिए गए हैं, आप अगर इनकी लेटर्स कंपेयर करिए, पहले पहले डिजिट्स कंपेयर करिए, एक और तीन कितना अंतर है, दो का अंतर है, दो और चार फिर दो का अंतर है, चार और छः दो का अंतर है, पाँच और सात दो का अंतर है। मतलब कहने का है कि 1245 में अगर हम दो 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 जोड़ दें तो जो हमारे हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3467 3467। इसी तरह यही रिलेशन हमें, तो हमें 1726 में भी 2222 जोड़ना है, मतलब 1726 में भी हमने 2222 जोड़ना है, तो हमें हमारा आंसर मिलेगा 3948। अब देखो ऑप्शन है 3948। अब देखो आपको ऑप्शंस में भी कैसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे जाएंगे 3498, लेकिन आपने बहुत ध्यान से देखना है एक एक चीज। देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी साथ साथ रखनी है कि ये 3498 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है पहला ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे जल्दी करना है स्पीड निकालनी है तो ये वाला ऑप्शन टिक कराएंगे, जो कि गलत है, आपका आंसर रहेगा 3948। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीरीज का है, श्रृंखला का क्वेश्चन आपको कहता है कि 7 8 16 43, तो आपने नेक्स्ट टर्म बतानी है। अब देखो सात और आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं 117 107 87 और चौथा 127। अब 7 8 16 43, 7 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 7 और 8 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 8 और 16 के बीच में 8 का डिफरेंस है, 16 और 43 के बीच में 27 का डिफरेंस है, और हमें अब नेक्स्ट संख्या बतानी है जिससे हमें हमारा आंसर भी मिल जाएगा। तो अब देखो 7 और 8 1 का डिफरेंस है, लेकिन 1 क्या है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 की कोई भी पावर 1 ही रहता है, तो 1 की क्यूब 1 की क्यूब 1, इसी तरह 8 किसकी क्यूब है, 2 की, 27 किसकी क्यूब है, 3 की। तो हमें यही देख लेना है, अपना दिमाग ऐसे चला के स्क्वायर्स क्यूब्स याद करके हमें ये देख लेना है कि 1
आठ सत्ताईस जब आ रहा है डिफरेंस, जो सम जो ऐड हो रहा है वो 1827 है, तो मतलब वो 1827 नहीं है, वो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब है। तो 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन हमने जोड़ा। तो अब जो हमें जो आंसर निकालना है उसमें हमने क्या जोड़ना पड़ेगा, 1, 2, 3 के बाद 4, 4 का घन, 4 का घन कितना होता है 64। तो मतलब हमने अगर 43 में 4 का घन जो कि होता है 64 वो अगर जोड़ दिया तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, और आंसर क्या रहेगा 107, 107। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीरीज का है, ये आपकी नंबर सीरीज है। अब जो क्वेश्चन है वो अल्फाबेट सीरीज का है, तो अल्फाबेट सीरीज में आपने ये ध्यान रखना है कि आपको नंबर इक्विवेलेंसी बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। नंबर इक्विवेलेंसी आप हमारी जो क्लासेस देखी है उसमें आपको सब तरह के बता देंगे कि किस हिसाब से आपको ट्रिक्स वगैरह कैसे, ये तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उसमें आपको कैसे बेसिक से सारा कुछ कैसे एक एक चैप्टर वाइज कैसे समझना है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज में डाला हुआ है। तो अब जो ये क्वेश्चन है क्यू यू जेड एफ एम, हमें पहली संख्या बतानी है, लास्ट वाली नहीं बतानी, इसमें भी कंफ्यूज मत होना, ये भी एक आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एम एन एल और पी, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि क्यू की जो नंबर इक्विवेलेंसी है 17, यू की जो है 21, जेड की है 26, एफ की है 6, एम की है 13। तो कहीं ना कहीं देखो 17 में 4 जोड़ा 21, 21 में फिर क्या जोड़ा 5 जोड़ा 26, 26 को 0 भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट शुरू हो जाएगा, तो इसमें क्या जोड़ा 6 जोड़ा तो हमें मिल गया 6 जो कि F, और फिर इसमें जोड़ा 7 जोड़ा तो हमें मिल गया 13। अगर हमें ये नेक्स्ट बताना होता तो हम इसमें 8 जोड़ देते, 8 जोड़ते तो हमें मिलता 21, 21 किसकी वैल्यू है U, अब U ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है और U वैसे भी आंसर है नहीं क्योंकि हमें नेक्स्ट टर्म नहीं, हमें पहले वाली टर्म देखनी है। ये कंफ्यूज करने के लिए कई बार ऑप्शन में भी U दे देता तो बच्चे बहुत जल्दी U टिक करके आ जाते और सोचते हमने सही किया, ये तो लॉजिक तो सही निकाला था, आंसर तो ऐसे निकल रहा है, लेकिन नहीं हमें प्रीवियस वाला देखना है। तो प्रीवियस वाला देखना है तो मतलब 4 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है, तो हमें क्या देखना है कि एक कम जोड़ना है पहले हमें आंसर निकालने के लिए। तो 17 में से हमें सिंपली 3 घटा देना है तो हमें 14 मिलेगा, 14 किसकी वैल्यू है एन की, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पिता, ये लॉजिकल वेन आरेख का क्वेश्चन है। पिता माता कवित्री, कवित्री, अब पिता और माता इन दोनों के बीच में वैसे तो संबंध है लेकिन अगर आइडेंटिटी की बात करें तो दोनों एक अलग आइडेंटिटी है, तो पिता अलग हो गए माता अलग हो गई, और जो कवित्री है, कवित्री मतलब जो कवि की जो फीमेल को कहते हैं कवित्री, कवित्री माँ भी हो सकती है और जरूरी नहीं है कि सारी कवित्रियाँ माँ हो, तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जो कि ये हो गए पिता, ये माता और ये कवित्री। अब कुछ कवित्री माता हो सकती हैं, कुछ माता कवित्री हो सकती हैं, सभी नहीं हो सकता, तो जो आपको ऑप्शंस क्या कंफ्यूजिंग दिया जाएगा 1, 2, 3, ये कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि पिता कवित्री या पिता माता कभी नहीं हो सकते, तो ये तो दोनों अलग आइडेंटिटी है, ये अलग रहेगा। दूसरा ये ऑप्शन इसलिए हमारा हो गया कैंसिल। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है ये, अब बताओ ये वाला हो सकता है, नहीं हो सकता ना, कवित्री पूरी सारी कवित्रियाँ माता नहीं हो सकती, सारी माताएं कवित्री नहीं हो सकती, पिता इनसे अलग है ही, तो ये तो चीज़ ये भी नहीं चलेगी इसमें, इसमें चलेगा ऑप्शन नंबर 4। थर्ड भी ऑप्शन क्या कहता है कि तीनों का कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन है, पिता और कवित्री का तो बिल्कुल रिलेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो मिला है वो है क्लासिफिकेशन का। अब देखो हमें 4 शब्द दिए, 4 दिए गए हैं, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड।
अब अगर हम रिलेशन देखें तो एशिया भी एक महाद्वीप है, अंटार्कटिका भी महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया भी महाद्वीप है, लेकिन जो थाईलैंड है वो एक देश है जो कि एशिया में आता है। तो मतलब इन चारों में से जो हमारा ऑड वन आउट हुआ वो थाईलैंड हुआ, क्योंकि थाईलैंड एक देश है और अन्य सभी जो है वो महाद्वीप है। तो ऑप्शन चार दिए गए थे, जो ऑब्वियसली चार वर्ड्स हैं, तो चारों के चार ऑप्शन थे और आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फोर, थाईलैंड। थाईलैंड इन सबसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? EGHIJK। अब जो रिलेशन निकालना है NPQ, और वो किस लेटर के ग्रुप से होगा? तो देखो EGH, अब आपको अगर नंबर इक्विवेलेंसी याद हो, ई की नंबर इक्विवेलेंसी होती है 5, आई की हो गई 10, तो ई प्लस 5 आई, जी प्लस जी आपकी 7, जी की बाद J 10, और इसी तरह एच में क्या जुड़ रहा है? एच में भी आपका जुड़ रहा है 3, तो ये वाला हो गया HIJK, तो K हो गया 3, K हो गया 11, H हो गया 8, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया इसमें जो +5 +3 +3। अब हम ये सेम लॉजिक इसमें भी लगाएंगे, अगर इसमें ये सेम लॉजिक लगाया तो एन प्लस फाइव किया, एन प्लस फाइव करने पे क्या आ रहा है? ई आई जे है, ई आई जे है, आई नहीं, आई का तो 3, आई का तो 8 रहता है, तो इसमें भी 3 ही ऐड हुआ। एक सेकेंड, आई का हो गया आपका 9, ई का हो गया 5, तो +4 +3 +3, तो इसी तरह हमने यही लॉजिक लगाना है +4 +3 +3, तो हमारा जो लॉजिक लगाने पे आंसर आया R, R P में 3 जोड़ा, P की 16, 16 में 3 जोड़ा S, Q, Q की वैल्यू 17, 17 में 3 जोड़ा T, RST। हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, RST। देखो E की वैल्यू है 5, I की वैल्यू है 9, तो +4 किया, तो यहाँ पे हमने E +4 किया तो हमें मिल गया I, I की वैल्यू होती है 9। इसी तरह G की वैल्यू है आपकी 7, G में हमने 3 ऐड किया हमें मिल गया J, H की वैल्यू 8, 8 में हमने 3 ऐड किया हमें मिला 11, 11 की वैल्यू K, तो इसी तरह हमारा +4 +3 +3। तो यही सेम लॉजिक हमें एनालॉजी में, समानता में, दूसरे शब्द पे भी, शब्द के समूह पे भी लगाना है, अक्षरों के समूह पे भी हमें यही ग्रुप, यही वाला लॉजिक लगाना है। ये लॉजिक लगाया तो हमें हमारा आंसर मिल गया RST। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ABZY। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका विपरीत अक्षर युगम के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो विपरीत अक्षर के समूह को जानने के लिए आपको सबसे पहले एक ये छोटा सा ये याद रखना पड़ेगा, ABCDEFGHIJKLM। M के बाद NOPQRSTUVWXYZ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में बस एक ये सिंपल सा लॉजिक है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ए का विपरीत जो अक्षर है वो कहते हैं जेड को, BYCXDWEVFUGTHSIRJQKPLOMN। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछता है? ABOR ZY CD OR WX XW, फिर EFUVGHTS। अब ये चार समूह दिए गए हैं और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा इनमें से भिन्न है, इनमें से कौन सा अलग है। अगर हम देखें ABZY, AB के जो विपरीत अक्षर हैं वो दोनों ZY हैं, लेकिन A का विपरीत देखो Z, B का विपरीत Y, तो A का विपरीत Z, B का विपरीत Y, तो ये तो मतलब विपरीत अक्षर के युग्म को दर्शाता है। दूसरा C का D, CD में C का है X, D का है W, तो हमें ये वाला भी लॉजिक मिल रहा है, मतलब पहला भी हमारे निकल गया, दूसरा भी निकल गया। अब तीसरे में EF, E का है V और F का है U, तो लेकिन इसमें क्या ऑप्शन दिखा रहा है कि ई का बी दिखा रहा है
एक्चुअल में क्या है कि असल में है ई का विपरीत अक्षर वी और एफ का है यू, लेकिन जो क्वेश्चन में क्या दिया गया है ई का यू कह रहा है, तो ई का यू तो है नहीं, तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं गलत है। अब दूसरा देख लें, जी एच, जी का विपरीत दिखा रहा है टी, एच का कह रहा है एस, तो एक्चुअल में भी यही है, जी का है विपरीत टी, एच का है एस, तो मतलब हमारा चौथा ऑप्शन भी यही विपरीत अक्षर के युग्म को दर्शाता है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है ई एफ यू वी, इसमें जो है कि इनका क्रम बदल गया है, इसको वी यू होना था तब तो ये सही रहता, लेकिन ये वी यू नहीं है, यू वी है, तो मतलब ये वाला जो है ये विपरीत अक्षर के युग्म को नहीं दर्शाता, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया गलत, और ये एक ऑप्शन था ऑप्शन नंबर टू पे, तो ई एफ यू वी ये गलत है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ई जी के एम पी एस, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आप सिंपली इनके नंबर इक्विवेलेंसी ना नीचे लिख लो, ई की जो नंबर इक्विवेलेंसी है 5, जी की हो गई आपकी 8, के की 11, एम की 13, पी की 16 और एस की 19, अब सॉरी जी की है 7, जी की 7, अब 5 में क्या जोड़ा, 2 जोड़ा तो हमें मिल गया 7, 7 में क्या जोड़ रहे हैं, हमें मिला 11, तो अब देखिए नेक्स्ट में 11 में हमें 2 जोड़ा 13, अब 13 के बाद तो हमें 4 जोड़ना है ना, क्योंकि पिछले में 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, तो 4 जोड़ना यहाँ पे 3 दिखा रहा है, और हमें इस क्वेश्चन में निकालना भी वही है कि इनमें से कौन सा जो है वो अक्षर गलत है, वो अक्षर उस स्थान पर नहीं है, तो हमें वही निकालना है, तो इसमें जो है वो पी अपने स्थान पर नहीं है, पी की जगह आंसर में होना चाहिए था क्यू, देखो पहले में 5 है फिर 7 है, तो 5 में 2 जोड़ने पे 7 मिलता है, इसी तरह 7 में 4 जोड़ने पे क्या मिलता है 11 मिलता है, 11 पे 2 जोड़ने पे 13 मिलता है, लेकिन हमें 13 के बाद अब 4 जोड़ना है ना कि 3 जोड़ना है, तो 13 के बाद अगर हमने 4 जोड़ा तो हमें 17 मिला, और 17 के बाद आगे फिर 2 जोड़ा तो हमें 19 मिला, तो हमें जो आंसर देखना है वो ये देखना है कि इसमें प्लस 3 करना था जो कि प्लस 4 करना था जो प्लस 3 हो रहा है, तो मतलब P नहीं आएगा, P का जो है वो यहाँ पे गलत है श्रृंखला में, P की वैल्यू P की जगह यहाँ पे Q आना चाहिए था, Q आना चाहिए था, तो आंसर हमारा कौन सा जो है हमें जो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प असंगत अक्षर का पता लगाइए, असंगत अक्षर कौन सा हो गया, P हो गया, क्योंकि P इस कैटेगरी में इस श्रृंखला में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिकल वेन डायग्राम का, वेन आरेख का क्वेश्चन है, पशु घोड़ा घोड़ी, अब हमें 3 दिए गए हैं, पशु घोड़ा और घोड़ी, अब जाहिर सी बात है घोड़ा भी पशु है घोड़ी भी पशु है, तो दोनों जो है एक दूसरे से तो भिन्न है, क्योंकि घोड़ा पुल्लिंग है और घोड़ी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो घोड़ा और घोड़ी आपस में तो डिफरेंट है, लेकिन ये है क्या है, ये है तो पशु ही है, तो यहाँ पे हमारा आ गया पशु, ये हो गया घोड़ा, ये हो गई घोड़ी, तो जो आंसर है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो ऑप्शन 3 है वो सेम ही यही वाली वेन डायग्राम को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पश्चात पिछला अतीत, इनमें से आपको जो भिन्न है वो ज्ञात करना है, तो पहला, पहले मतलब कि जो कुछ घटना होने से पहले, ये तो सीधा ही कह रहा है, पश्चात, पश्चात का क्या मतलब होता है बाद में, पश्चात का मतलब कहते हैं बाद में, और तीसरा पिछला और अतीत, और पिछला भी पहले को कहते हैं अतीत भी पहले को कहते हैं, तो मतलब पहले पिछला अतीत ये सब एक तरह से पर्यायवाची शब्द हैं, इनका जो अर्थ है वो लगभग समान है, लेकिन पश्चात, पश्चात मतलब कि बाद में, तो बाद में तो आता है कि वो इन तीनों से डिफरेंट हो गया, तो ये क्वेश्चंस थे कुछ लॉजिकल वेन डायग्राम, वेन आरेख के, वर्गीकरण के, समानता के और श्रृंखला के, तो ये हमने इस सीरीज में डिस्कस की है, यूपीएसआई की जो सीरीज चल रही है हमारी, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे मेनली, और जो यूपी के किसी भी एग्जाम में आए हो, चाहे यूपीएसआई हो यूपी लेखपाल हो, उनके आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इससे आपको फेमिलियरिटी मिलेगी, आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपने किस हिसाब से अपनी मेहनत रखनी है, आपको एक्चुअल पता हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आए और तब मेहनत करो तो उस चीज़ में मज़ा ही अलग आता है, क्योंकि आपकी मेहनत उस हिसाब से रंग लाएगी।
तो ये थी एक हमारी तरफ से छोटी सी प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वीडियोस हम आपको देते रहेंगे यूपी की और भी काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो भी निकल रहे हैं। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।